आज ही किसी से बात हुई, उनका नाम मीना, मैं का नाम नहीं लूंगा पूरा, उनका नाम मीना कह सकते हैं, मीना मैम। वो उनकी जो सैलरी है वो पाकिस्तान में है, उनकी सैलरी पाकिस्तान में 2 लाख रुपए महीना है, 2 लाख रुपीज महीना मंथ। और वो पूछ रहे थे कि अगर फॉरेन जाने का मुझे मौका मिलता मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। शी इज़ अबाउट 31-32 ईयर्स ऑफ एज एंड उन्होंने मास्टर्स की कर रखी है अमेरिका पाकिस्तान से, और अच्छी एक बड़ी अच्छी जॉब कर रही हैं। एंड वो पूछ रही हैं कि भाई मैं अमेरिका जाऊँ कि ना जाऊँ, मुझे मौका मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है इट्स अ नो ब्रेनर, बट लोग पूछते हैं। जिसको 2 लाख रुपये पाकिस्तान में मिलते हैं ना, वो वहाँ का राजा है राजा। इनकी लाइफ के बारे में मैंने कुछ पूछा तो उन्होंने मुझे बातों बातों में पता चलता है ये अपनी माता जी के पास रहती हैं। सो शी ऑल शी वॉन्ट्स टू कीप शी वॉन्ट्स टू बी वेरी क्लोज टू हर मॉम एंड शी वॉन्ट टू स्टे विद हर मॉम। तो अपनी माता जी के पास रहती हैं, सो दैट्स वन। दूसरा, इनकी लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है क्योंकि पाकिस्तान में 2 लाख तो जितना मर्जी खर्च ले ख़त्म ही नहीं होते। ये अपना आराम से जाती हैं, जिम जाने की रूटीन बनी हुई है एवरी डे, वहाँ पर ट्रेनर मिला हुआ है, डाइटिशियन मिली हुई हैं, डाइटिशियन इनको डाइट के बारे में बताती हैं, सारा कुछ इनको फैसिलिटीज मिली हुई हैं, गाड़ी में है, गाड़ी में आना जाना, अच्छा घर है, ठीक है, माता जी के साथ वहाँ रहती हैं, सारा कुछ है। देखिए पहले आप इस बात को समझिए कि अगर आप मीना मैम अगर यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया सॉरी अमेरिका चले जाती हैं ना, तो जिस जगह पर अभी खड़ी है ना, वहाँ पर 10 साल बाद वहाँ पर भी नहीं पहुँचेंगी, 15 साल बाद भी वहाँ पर नहीं पहुँचेंगी। पहले तो माता जी नहीं होंगी, मदर नहीं होगी साथ, याद रखिए इस बात को, क्योंकि मदर की हेल्थ इंश्योरेंस जो है किसी सिस्टम से कवर नहीं होती है। यूके कनाडा में कहते हैं हेल्थ केयर फ्री है, मैं बिल्कुल उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा, बट बड़े बड़े तौर पे बता देता हूँ कि यूके और कनाडा की जो हेल्थ केयर है वो फ्री है, सुनने में लगता है फ्री है, लेकिन प्लीज बात को समझो, वो इंडिया की सरकारी डिस्पेंसरियों की तरह है। वहां पे हर एक को एडिशनल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है जिसको इज्जत की जिंदगी जीनी है। इनमें मतलब मेरे साथ अमेरिका में भी ऐसा कुछ होता है, बड़ा सस्ती से एक इंश्योरेंस होती है, उसको एचएमओ बोलते हैं। मैंने कॉल किया था, जी मेरे दांत में बड़ा तेज दर्द है, अक्टूबर चल रहा था, मुझे कहते ये अप्रैल 15 की तुम्हारे को अपॉइंटमेंट मिलेगी। कौन सा बंदा इसको एक अच्छी कवरेज कहेगा 6 महीने बाद की डेट अगर आपके दांत में दर्द है? अरे दांत का दर्द तो मुझे अभी ठीक करना है ना, तो कहते फिर कहीं और चले जाओ, हमारे पास मत आओ। तो जो फ्री इंश्योरेंस है ना, ये इस तरह की है, इनमें इमरजेंसी तो कई बार कवर होती है, लेकिन बड़े बड़े तौर पर इस तरह की है। हर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया कनाडा और यूएस यूके में जिसको थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो एक अच्छी इंश्योरेंस जरूर लेता है, नहीं तो ये तो मिडिल माइनस माइनस होगी लाइफस्टाइल। अगर आपके पास एक इंश्योरेंस भी नहीं है, आप तो इंडिया की वो डिस्पेंसरी में धक्के खाते हैं, मिलके खाते हैं, बिल्कुल ही गरीब लोग होते हैं, उनकी तरह के बन गए हो, इसलिए हर कोई ले लेता है। तो हेल्थ और जब पेरेंट्स आते हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, वो एडिशनल नहीं होती, वो एडिशनल अगर इन कंट्री हो तो एडिशनल है, अगर अमेरिका में है तो फिर एक्स्ट्रा है, फुल्ली एक्स्ट्रा है। 1000-1500 डॉलर की इंश्योरेंस होती है ओल्ड बंदे की, तो इसलिए वो होल्ड नहीं हो सकती। मैं आपको थोड़ा सा एक जो इश्यूज है ना हर की लाइफ में, यहाँ पे जिसको मैं डंडे बोलता हूँ, डंडों वाली लाइफ का सारा बताऊंगा आपको, लेकिन बड़े बड़े तौर पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अब चलिए इसको फिर साइड पे कर दीजिए, अब इसके बाद अलावा बताता हूँ। ये जो डाइटिशियन है, ये जो ट्रेनर है, पता कितने का होता है? 75-75 डॉलर घंटे का होता है, क्योंकि वो भी तो राजा है ना, अंधेर नगरी पोपट राजा। सेम प्राइस प्लम्बर, सेम प्राइस इलेक्ट्रिशियन, सेम प्राइस जिम ट्रेनर, सेम प्राइस ये सेम प्राइस डाइटिशियन, सेम प्राइस आईटी इंजीनियर, सेम प्राइस आप, सेम प्राइस सब कुछ, सेम प्राइस टैक्सी वाला, सेम प्राइस ट्रक वाला, सेम प्राइस ऑटो रिक्शा वाला, सेम प्राइस रिक्शा वाला, सारे सेम प्राइस पे, सारे सेम कमाते हैं। सारे जब सेम कमाएंगे, सब लोग जब सेम कमाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा? आप जो बंदा कमा रहा है आईटी की जॉब करके या अच्छी जॉब करके, मैनेजमेंट की जॉब करके, मेरा मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट की जॉब करके, उसको 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 क्या मिलेगा? वो तो क्लास 1 या क्लास 1+ ऑफिसर था, वो नीचे आ गया कि नहीं आ गया? यही इनके साथ होने वाला है। जो 2 लाख रुपए मीना कमा रही हैं आज, कल को इंशाल्लाह 3 कमाएंगी, परसों 4 कमाएंगी, 4 में तो रॉयल लाइफ है, बाय द एज ऑफ 35-36 5-6 लाख कमाएंगी, रॉयल लाइफ है, रॉयल लाइफ है इनकी। तो राइट, इनकी तो रॉयल लाइफ है। ये डाइटिशियन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पे आएंगे तो, ये नहीं अफोर्ड कर पाएंगे आप जिम ट्रेनर,
जो मुझे इसलिए अच्छा लगा इन लोगों इनका एग्जांपल मीना मैम का, क्योंकि ये अराउंड 32 हैं, तो इसके कारण क्या है कि ये एक सर्टेन स्टाइल में जी रही हैं और ऑलरेडी सर्टेन स्टाइल में कमा रही हैं। तो जो मैं 22 साल के बच्चे को बोलता हूँ कि तुम 30-32 साल की उम्र में अगर 2-3 लाख कमा रहे हो तो तुम राजे हो, वो इनके केस में ऑलरेडी एप्लीकेबल है। तो ये परफेक्ट केस स्टडी है टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगी आप। आपको लग रहा है गाड़ी दिखा की नेसेसिटी है, वो मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब चीजें बता रहे हो ना सारी, ये सब नहीं कुछ भी मिलेगा इनमें से। सारा घर का काम भी खुद करना पड़ेगा, जो कोई हेल्प, क्या हेल्प भी आती है, जो हेल्प वगैरह आती है वो सब आपको कुछ नहीं मिलेगी, खुद करना पड़ेगा। और देयर इज अ गुड चांस अगर आप यूएसए जैसी जगह होते तो मदर भी नहीं होंगी आपके साथ। बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, राइट? सारा कुछ कमाने के बाद, कमाए तो कुछ है ही नहीं अभी भी, लाइफ तो वही है, सारा काम कर रहे हैं, बेकार सी लाइफ जी रहे हैं, फिर किस बात के, हमको क्या कमा लिया हमने, उसके बावजूद फिर हमारे घर वाले ना हमारे साथ, ये तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो सारा मिला के दिस इज द लाइफ यू आर लुकिंग एट। और गाइस, ये केस स्टडी थोड़ी सी आपसे करनी थी।